प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि बहुत जल्द चुनाव और स्टेटहुड की बात उन्होंने की है, आपको ये स्टेटमेंट वेलकमिंग लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा ना, क्या एहसान किया? कोई एहसान नहीं है ना हमारे ऊपर मरकज का, ये मजबूरी बनी इनकी इलेक्शन कराने की। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तभी ये इलेक्शन की बात करते हैं, नहीं तो इससे पहले कितनी यहां तकरीरें हुई वजीर आजम साहब की, कभी इलेक्शन का जिक्र हुआ? कभी हमें इलेक्शन की बात नहीं की। हम इंतजार करते आए कि कब हमें अपना हक मिलेगा, नहीं दिया हमें अपना हक। अब तकरीर में उन्होंने जिक्र किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये ना हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है ना। सब आखिरी के एक दो सवाल करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इस बार लोग निकलेंगे वोट डालेंगे ज्यादा संख्या में, कोई कुछ तब्दीली नजर आएगी इस बार वैली में? देखते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? लोग थके हुए हैं मौजूदा हालात से, नाराज हैं और अपनी नाराजगी का वो इजहार करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी खामोशी इख्तियार की 2019 के बाद, अंदर से फटने को आ रहे हैं। वो वोट में दिखेगा इस वो बार वोट में आपको दिखेगा, फट रहे हैं, नाराज हैं। उनकी नाराजगी का उन्होंने सड़क पे आके इजहार नहीं किया, उन्होंने हालात नहीं बिगाड़े, पुरमन तरीके से उन्होंने इंतजार किया, कहा कि कोई नहीं मौका मिलेगा हम दिखाएंगे और निकलेंगे और वोट डाल के दिखाएंगे आपको। बस आखिरी दो सवाल करना चाहता हूं, मोदी की गारंटी इस फ्रेज को बीजेपी जगह जगह देश में ले जा रही है, आपको लगता है कि इसका मैजिक काम कर सकता है, आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है ऑपोजिशन को? हमें किस चीज की गारंटी मिली मां सिवाय तबाही और बर्बादी के? हमें मिला क्या बताइए ना, हमें क्या मिला इस गारंटी से? क्या मेरे नौजवान भाइयों को नौकरियां मिली? क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई तरक्की आई? क्या कोई नए बड़े प्रोजेक्ट आए? क्या क्या बदला यहां पे? क्या जमहूरियत कायम हुई? कौन सा नया इदायरा बना यहां पे? एक एक करके जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोखला किया गया। पहले आपने असेंबली खत्म की, उसके बाद आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म की, उसके बाद आपने पंचायतें खत्म की, रखा क्या आपने? बेताज बादशाह यहां बिठाया हुआ है हमारे ऊपर राज करने के लिए, और फिर आप गारंटी की बात करते हो? किस चीज की गारंटी मिली हमें ना? उमर साहब, हिंदुत्व का एजेंडा जो है, आपने 370 पे अपनी राय रखी, सीएए पे राय रखी, एक इशू राम मंदिर भी है और हिंदुत्व का इशू जो बीजेपी लेकर के पूरे देश भर में अपने इलेक्शन कैंपेन में मुखर रहती है, इसका भी तो इम्पैक्ट होगा? जहां तक मुझे मालूम है इलेक्शन में फिर मजहब का इस्तेमाल करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। मैं रियलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूँ सर, इस पे लोगों को फिर हम मान के चले कि बीजेपी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे विश्वास नहीं करती। सर अगर मैं तो उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूं? मैं आप पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लोगों तक वो पैगाम पहुंचना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तब एमसीसी नहीं लगा हुआ था उमर साहब, इलेक्शन कमीशन वाले इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मेरा कहना सर कि प्राण प्रतिष्ठा जब की गई तब एमसीसी इन प्लेस नहीं था, आपको नहीं लगता उसका भी इंपैक्ट बीजेपी उसको? फिर ये गिरफ्तारियां क्यों? कांग्रेस के अकाउंट्स पे डाका क्यों? ये सारे जो मतलब दबदबाव इस्तेमाल किया जा रहा है किस लिए? अगर सारा कुछ बीजेपी के हक में है तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है ना। एक आखिरी सवाल, इजाजत दे दीजिए सर, इंडिया अलायंस ने मिलकर के एक पीएम का चेहरा क्यों नहीं दिया, आपको नहीं लगता लड़ाई और फॉर्मिडेबल होती? जरूरी है, कम से कम एक अल्टरनेट लोगों के सामने होता कि वहां मोदी जी हैं तो यहां एक चेहरा है। एजेंडा पे जाइए ना, अब चेहरों पे क्यों जा रहे हैं आप? एजेंडा पे जाइए, जो इश्यूज लेके हम जा रहे हैं उस पे जाइए। जब इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे अडवाणी जी, उस वक्त हमने कोई चेहरा सामने रखा? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस कमरे में बैठा था जब प्रमोद महाजन जी, जो अब इस दुनिया में रहे नहीं, वो बैठे थे, वाजपेयी साहब थे, कुछ और थे, और मुझे अभी भी प्रमोद महाजन के अल्फाज मेरे कान में गूंजते हैं। उन्होंने वाजपेयी साहब को कहा कि जब तक सोनिया गांधी जी हैं आपको कोई हरा नहीं सकता। सीधा कहा वाजपेयी साहब को कि एज लॉन्ग एज सोनिया गांधी इज देयर नोबडी कैन डिफीट यू। उसी सोनिया गांधी और अलायंस ने फिर इंडिया शाइनिंग की धजियां उड़ा दी। तो इस बार आपको उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमर साहब, जिन्होंने एक्सटेंसिव टाइम दिया एबीपी न्यूज को, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कश्मीर में और पूरे देश में
खासकर इंडिया अलायंस ऑपोजिशन के लिए लोग कितना भरोसा दिखाती है। उमर साहब को उम्मीद है, उन्होंने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है कि बीजेपी को रोकने में इस बार कामयाब हो सकेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।